हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दिल्ली में जो बुक फेयर लगा हुआ है मिनी मैम के साथ, आज मैं जा रही हूँ वहाँ पे। थी लास्ट टाइम भी जब हमने बुक्स खरीदी थी, आई डोंट नो कि वो कंप्लीट हुई है या नहीं है, एंड ये भी नहीं पता कि आज हम कितनी बुक्स लेने वाले हैं। तो आप देख सकते हो मैंने इतना बड़ा सा बैग ले लिया है, और अब देखना है कि कितनी बुक्स आती हैं, क्योंकि मुझे भी अपने न्यूमरोलॉजी एंड कुछ क्रिस्टल्स से रिलेटेड बुक्स मुझे परचेज करनी है। मैंने रिसर्च नहीं किया, मेट्रो में जाते टाइम रिसर्च करूंगी, बाइक से मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि कल की बाइक राइड के बाद तो इतना ज़्यादा जब मैंने ट्रैवल कर लिया, तो अभी आज मैं अपने आप को रेस्ट देना चाहती हूँ। तो मिलते हैं मेट्रो स्टेशन पे, हुड्डा सिटी सेंटर। बने रहिए वीडियो के एंड तक, सी यू फ्रेंड्स। हमने ऑटो कर ली है, बस हम घर से निकल चुके हैं हम लोग, और अब यहाँ से डायरेक्ट हुड्डा मेट्रो देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। अभी 10:13 हो रहे हैं, आई होप कि जल्दी पहुँच जाए, क्योंकि मॉर्निंग में निकले हैं तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक होना नहीं चाहिए। आज संडे भी है, हाँ बुक फेयर पे ज़रूर ट्रैफिक होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है ना मिनी मैम? एक्साइटेड। सो फ्रेंड्स, हुड्डा पहुँच के फिर मैं आपको अपडेट देती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं बाइक नहीं ले जा रही, मन नहीं कर रहा आज बाइक ले जाने का। कल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा राइडिंग हो गई यार, थोड़ा रेस्ट का टाइम है, रेस्ट मोड़े तो मेट्रो की भी सवारी कर लेते हैं, क्या हो गया। हम लोग हुड्डा सिटी सेंटर आ गए हैं। क्या टाइम हो रहा है? 10:29। सो यू कैन कैलकुलेट एंड शेयर मी इन द कमेंट कि कितना मिनट लगा हमें। तो बस अब हम लोग जा रहे हैं अंदर मेट्रो लेने। सी यू। यहाँ पे बहुत ही लंबी लाइन लगी होती है, जो कि आज मुझे दिख नहीं रही है। सो इससे ये पता चलता है कि आज है नहीं ट्रैफिक, क्योंकि ऑफिस जाने वाले लोग तो आज है नहीं, संडे है। हा, हमें भीड़ नहीं मिलेगी, ये यू। फ्रेंड्स गेट वॉट, आज फिर एक ट्रेजेडी हो गई हमारे साथ, मिनी मैम पीछे हैं। तो फ्रेंड्स, जब हम लोग ऑटो से उतर रहे थे, तो ये जो मैंने बैग लिया हुआ है ना, इतना बड़ा सा, तो आप देख सकते हो मैं वैसे पीछे बैग हैंग करती नहीं हूँ, वो भी नहीं मैम ही ज़्यादा करते हैं, बट अभी मैंने इसको सीने से लगा के रखा हुआ है, ये ऑटो में छूट गया। और शुक्र करो कि हम लोग उबर कैब से आए थे, तो ड्राइवर का मिनी मैम ने तकड़ 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 ऐसा तिकड़म भिड़ाया, यूएस तक भी पहुँचा दिया उबर की कंपनी में ना, वहाँ तक भी खलबली मचा दी इन्होंने। तो क्या किया वो सुनो अब इनकी ज़बानी। तो जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है आपका, आपको सबसे पहले अपना लॉस्ट आइटम का अगर कोई कंप्लेंट है तो वो रेज करना होता है। उसके साथ साथ अगर कोई और आइटम भी है उसमें इंक्लूडेड, तो उसके भी कई ऑप्शंस आते हैं, वो सारे आपको ऐड करने होते हैं। तो मेरे पास जितने भी ऑप्शंस आए वन बाय वन मैंने सब ऐड कर दिए। और उसमें पता है इफ़ यू हैव लॉस्ट अ फ़ोन का ऑप्शन आया था, कहनी कर दो कोई बात नहीं, जल्दी सुनवाई होगी। नहीं यार, विप्रो में काम करने का फ़ायदा फाइनली मिल गया हमें। तो फाइनली फिर हमने मेल हमें आई, और हाँ। फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर मिला, और फिर ड्राइवर ने बोला कि मैडम आपका बैग लेके मैं क्या करता, अबला अबला। खैर मेरे सारे सामान मेरे बैग में है, होपफुली कुछ दुर्घटना होने से बच गया, क्योंकि मेरा वॉलेट था उसमें, घर की चाबी भी थी वॉलेट में, मेरे सारे आईडी थे, एटीएम कार्ड्स थे, आधार कार्ड था, तो कुछ भी हो सकता था। बट आप लोग की कृपा से और ब्लेसिंग से बच गए हम लोग। तो फाइनली हम लोग सीपी आ चुके हैं, और अभी हम लोग अपने मेट्रो का वेट कर रहे हैं, ब्लू लाइन वैशाली, राइट। yes. तो अब वहाँ से हम लोग जाएंगे फिर प्रगति मैदान स्टेशन से, यहाँ से अब उस मेट्रो से हम लोग जाएंगे प्रगति मैदान, जो कि यहाँ से 3-4 स्टेशन से दूर है। तो स्टे ट्यून्ड। और भी यात्रीगण यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपने अपने मेट्रो का। क्या कर रहे हो आप? वेटिंग फॉर माय मेट्रो। सुनाई नहीं दिया? वेटिंग मेट्रो के लिए। मेट्रो का वेट कर रहे हो, यानी कि मेट्रो चला के खुद ले आए? बोला तो था मैंने, फिर कोई दे नहीं ना, शक्ल देख के ड्राइवर लग नहीं रही हो शक्ल से। मेट्रो आ गई फाइनली।
प्रगति मैदान आ गए हैं और अब मिनी मैम के फेस की स्माइल तो देखो, बुक फेयर जा रहे हैं यू। ये मेरा फोर्थ टाइम है प्रगति मैदान, थर्ड बार मैं आ रही हूँ बुक फेयर में। तो ये इंटरनेशनल बुक फेयर है, वर्ल्ड बुक फेयर है ये। ओके, तो ये मेरा थर्ड टाइम है फ्रेंड्स। और आपको एक मैं बात और बताना चाहूँगी, मिनी मैम आज तक जितने बार भी यहाँ पर आई हैं, सारे ईयर की टिकट्स इनके पास कलेक्शन बना के इन्होंने रखा है और ये दिखाएंगी हमें इस ब्लॉग में। ओके, स्टे ट्यून्ड तक मेला टिकट काउंटर की ओर, बट हमें तो जाना है बाहर की ओर। सो टिकट काउंटर, ओके, टिकट लेते हुए हम लोग फिर बाहर जाएंगे। हमारी टिकट्स आ गई, शो मी द टिकट्स। सो नाउ वी आर गोइंग। सबसे पहली बार इतने क्यूट डिज़ाइन में मिला बुक टिकट, तो मिनी मैम इज सेइंग कि ये जो इतना क्यूट डिज़ाइन है इस बार के टिकट का, ये बहुत ही सुंदर है। फर्स्ट टाइम इनको देखने के लिए ऐसा मिला है, तो ये तो इनकी कलेक्शन में टॉप मोस्ट में होगा, टॉप वन पे। तो यहाँ से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, गेट नंबर थ्री। लेट्स गो। लोग तो काफ़ी दिख रहे हैं फिलहाल। बुक पढ़ना किसको पसंद नहीं है, मेरे जैसे लोग भी स्टार्ट कर दिए मेरी मैम की संगत में रह के, छत्र छाया में रह के, तो बहुत बड़ी बात है। फेमस बंटा, बर्फ मत डालना भैया, बर्फ मत डालो। आते ही बंटा पी लो, ज़्यादा बेटर है, गर्मी बहुत है, धूप बहुत तेज़ हो रही है। आज ही न्यूज़ में सुना है मई जून वाली गर्मी तो फेब में पड़ने लग गई, मई जून का भगवान मालिक है। ये भैया ने बंटा रेडी कर दिया, बंटा प्रोसेस। हम लोग बाहर आ गए और ये फेवरेट रोड है मिनी मैम की, जहाँ पे वॉक करना इन्हें बहुत पसंद है। ऐसा क्या खास है? ओके, ग्रीनरी है, शांति है। सो एंट्री कुछ चेंज सी लग रही है, यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूर। सो दिस इज हॉल नंबर 7, यहाँ पे आप फूड स्टॉल्स देख सकते हो, काफ़ी सारे हैं, डोसा से लेके लंच से लेके थाली से लेके, एंड दिस इज द गेट ऑफ हॉल नंबर 7। चलो लेट्स गो। Oh, 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 oh,
छोटा टेक्स्ट है मेरे पास है। सो फ्रेंड्स ये बाहर का सीन है, कुछ बैंड वैंड आने वाला है, आई गेस परफॉर्मेंस होगी क्योंकि यहाँ पे पूरा साउंड का सेटअप हो रहा है। और ये ओवरऑल व्यू ऊपर से। और ये अब हम लोग हॉल नंबर 4 में आ गए हैं जहाँ पे हैवी डिस्काउंट्स मिल रहे हैं बुक्स पे, तो आप यहाँ पे विजिट ज़रूर करना फ्रेंड्स। फ्रेंड्स हमने शॉपिंग तो कर ली, बुक्स वगैरह देख लिया, अब हम जा रहे हैं फूड कोर्ट की तरफ। तो यहाँ पे बहुत भीड़ दिख रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ही होगा कुछ भीड़, तो खैर हर जगह ही है, काफ़ी बड़ा है फूड कोर्ट। चलो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे कोई लाइव बैंड भी आने वाला है, तो प्रिपरेशंस हो रही हैं, अब इवनिंग में शो होगा, बट मैं तो रहूँगी नहीं यहाँ पे। चलते हैं वापसी की तरफ, एग्जिट गेट हमारा उधर है। खा पी लिया, बुक्स ले ली, डायरीज ले ली, और क्या क्या लिया, दैट्स इट, हैंडमेड डायरीज ली, बुक्स लिया, नॉवेल्स लिया, निकल पड़े हैं घर के लिए। और जाके मुझे क्लासेस भी लेनी है, तो ओवरऑल एग्जिट व्यू। मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू व्लॉग में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।